क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ थिंकर, कोई भी चीज़ की क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो समटाइम्स द पीपल हु आर फ्रॉम नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड दे अज्यूम कि क्रिटिकल एनालिसिस का मतलब है कि हमें क्रिटिसिज्म लिखनी है, यही समझते हो आप कि कोई आर्गूमेंट दिया उसकी लिमिटेशन लिखने मतलब क्रिटिकल एनालिसिस, इट्स नॉट सो. सी क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल एनालिसिस इज हाईलाइटिंग दी बोथ दी पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स या लिमिटेशंस एंड स्ट्रेंथ्स ऑफ द थ्योरी इन क्वेश्चन, तभी वो क्रिटिकल एनालिसिस पूरा होता है. अगर आपको क्रिटिकली एनालाइज मार्क्स थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म तो उसमें सिर्फ आपको उसकी लिमिटेशंस नहीं लिखनी है, आपको ये भी लिखनी है कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है उस थ्योरी की या क्या रेलिवेंस है उस थ्योरी की अपार्ट फ्रॉम क्रिटिसिजम्स. तो इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लें कि क्रिटिकल एनालिसिस ऑल्सो इंक्लूड्स हाईलाइटिंग बोथ दी पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ऑफ एनी थ्योरी. पॉजिटिव में क्या क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड रेलिवेंस एक तरह से, है ना, एक तरह से. और जो क्रिटिसिज्म नेगेटिव्स में आ जाएगा कि जो लिमिटेशंस हैं उस थ्योरी के. तो क्रिटिसिज्म और क्रिटिकल एनालिसिस में दो बहुत फर्क है. जो हम कहते हैं क्रिटिसाइज समथिंग तो उसका मतलब होता है आलोचनात्मक आलोचना. आलोचना इज नॉट सिंपली हाईलाइटिंग द नेगेटिव्स, इट्स बोथ हाईलाइटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हाईलाइटिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, कि नहीं. तो ये हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना है. तो वेन एवर आई विल डू थिंकर, मैं तीन चीजें करूंगा हर थिंकर की. फर्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, कि क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उस थिंकर की. एंड सेकेंड इज क्रिटिसिजम्स. क्रिटिसिज्म हम दो तरह से करेंगे, इन टर्म्स ऑफ जनरल क्रिटिसिजम्स जो आप कहीं पर भी किसी भी थ्योरी पर लगा सकते हो, दीज आर द जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ अ थिंकर, है ना. जैसे मार्क्स का हम कह सकते हैं, आप भी अभी कह सकते हो कि ही स्ट्रेस टू मच ऑन मटेरियल कंडीशंस, समटाइम्स चेंज अकर्स ड्यू टू आइडियाज ऑल्सो, इजंट इट. और ही स्ट्रेस टू मच ऑन इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एवरीथिंग. आजकल सिर्फ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से चेंज नहीं गवर्न होता, इवन वेलफेयर स्टेट, लॉ, एजुकेशन, दे बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज. ये कहना कि स्टेट सिंपली इज वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द हैव्स आज की डेट में गलत है, बिकॉज स्टेट इज ऑल्सो वर्किंग फॉर हैव नॉट्स. तो ये क्या होगी, जनरल क्रिटिसिजम्स. एक है कि स्पेसिफिक क्रिटिसिजम्स ऑफ अ पर्टिकुलर थ्योरी, कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में क्या खामियां हैं, या क्लास स्ट्रगल में क्या खामियां हैं, या एलिनेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है. तो जनरल एंड स्पेसिफिक. देन वी हैव ऑल्सो टू डू रेलिवेंस. सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में ये रेलिवेंस है, बिकॉज यहां पर आपको एक तरह से आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ अ थिंकर पता होना चाहिए कि आज की डेट में या इन सोसाइटी टुडे, है ना, हाउ थिंकर इज प्रैक्टिकली एप्लीकेबल, कि थिंकर प्रैक्टिकली एप्लीकेबल कैसा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी. इज ही रेलेवेंट, क्या समझते हो मार्क्स रेलेवेंट है, क्या कहना चाहोगे. मतलब ये अपने आप में उसकी रेलेवेंस शो करता है कि इंस्पाइट ऑफ नाउ 300 ईयर्स ऑफ वेलफेयर स्टेट स्टिल पॉवर्टी डेप्रिवेशन एग्जिस्ट. तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्टेट इज अनएबल टू रिजॉल्व दीज प्रॉब्लम्स. तो कहीं ना कहीं इसका मतलब स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी से उसका लेना देना है कि ये प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, क्या बात कर, है ना, गुड. इज मार्क्स रेलेवेंट इन अंडरस्टैंडिंग इंडिविजुअल टूडे, क्या क्या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इज, डू थिंक इट इज गवर्न्ड बाय मटेरियल कंडीशंस, आर वी इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल कंडीशंस, आज भी है ऐसा. और या इंडिविजुअल जो वेरी नंबर ऑफ शेड्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर जो हम देखते हैं, लाइक अगर ड्रग एडिक्शन है या, है ना, देर आर सो मैनी क्रिमिनल एक्ट्स हैं, वेरियस कन्फ्लिक्ट्स इन सोसाइटीज, रॉयटिंग, ये वो. कैन यू एक्सप्लेन ऑल दीज फिनोमिनास एट द लेवल ऑफ हु आर विच आर प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल विद द हेल्प ऑफ मार्क्सियन थ्योरीज. मतलब आजकल चाहे पेपर में क्वेश्चन रेलेवेंस का आए चाहे ना आए, इट इज नॉट नेसेसरी दैट क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम दिस डायरेक्टली, बट स्टिल इवन इफ यू राइट एनी आंसर ऑफ थिंकर,
यू विल यूज दीज थिंग्स इन योर आंसर. अगर आज आप डिस्कस मार्क्स थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, तो आप इसको रेलेवेंस को ला सकते हो बीच में, है ना. तो दिस रेलेवेंस जो है ये टॉपिक है, दिस इज यूज टू इंक्रीज योर मार्क्स इन द आंसर इन द एग्जामिनेशन. कैसे नंबर बढ़ाए जाए, जितने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ज्यादा करोगे, जितना अप्लाई ज्यादा करोगे. कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, पिछले 4-5 साल में देखिए कई क्वेश्चन आए हुए हैं एप्लीकेशन, सिर्फ एप्लीकेशन के, कि हाउ मार्क्स कैन बी यूज टू अंडरस्टैंड जेंडर रिलेशंस. कि अगर वुमेन आर इन सबॉर्डिनेट पोजिशन इन सोसाइटी एंड मैन आर डोमिनेंट सपोज इंडियन सोसाइटी में, तो कैन यू यूज मार्क्स टू एक्सप्लेन द सिचुएशन. देखो हर बार नया आएगा कोई, आपको मेथड समझना है. माई टास्क इज टू मेक यू कैपेबल इनफ टू अप्लाई इट योर सेल्फ, है ना. माई टास्क इज नॉट, मैं कराऊंगा एक दो आपको, 3 कराऊंगा मैं, कितने करा लूंगा, लेकिन जब आप कैपेबल बनोगे यस नाउ आई कैन अप्लाई माई सेल्फ, तब बात बनेगी ना. तो वहां तो कुछ नए ही डाल देना उन्होंने, ठीक है. सो टुडे वी विल डू कॉन्ट्रीब्यूशन, दिस पार्ट वी विल डू, एंड कल हम ये दोनों पार्ट करेंगे, ये एक पार्ट, ये एक पार्ट.